ये कहानी है उन हाथों की जो अलग अलग शरीर से जुड़े हैं, लेकिन एक साथ मिलकर देश बदलने का प्रयास करते आए हैं। ये कहानी है इन सभी हाथों की जो धीरे धीरे जुड़ते गए, सेवा की आशा में आगे बढ़ते गए। जिन हाथों का बचपन कचरा उठाते हुए व्यतीत हो रहा था, उन उंगलियों में आशा की कलम दे पाए हैं। जिन नन्हे हाथों को माँ का आंचल ना मिला, उन बच्चों को बाहों में लेकर स्नेह की छाया दे पाए हैं। जो हाथ कुष्ठ रोग से गल रहे थे, उन उंगलियों को मानवता का स्पर्श दे पाए हैं। जो हाथ पानी पर लकीरें खींचते आए, बरसों से आधा जीवन कश्तियों में बिताते आए, उन हाथों को जीविका का अधिकारी बना पाए हैं। आज तक जो हाथ सिर्फ रोटियां सेका करते थे, जिन्हें बस घर के कामों में ही सक्षम माना जाता था, उन सभी हाथों को शक्ति, प्रतिभा और आत्मविश्वास दे पाए हैं। आज वही हाथ घर के मुखिया बन पाए हैं। जो हाथ अस्पताल की चार दीवारी में उपचार किया करते थे, उन हाथों का उपचार सुदूर स्थानों तक पहुंचा पाए हैं। भारत म्यांमार के सीमावर्ती जंगलों से लेकर राजस्थान के रेतीले बंजरों के डेरे तक, हिमालय की गोद में बसे टिमटिमाते बर्फीले इलाकों से हिंद महासागर को चूमते अनगिनत निश्चल गांव तक, ऐसे ही कई लाखों हाथ एकजुट होकर सेवा भारती बन गए हैं। देश के कोने कोने में निशब्द और निस्वार्थ ही सेवा करते आए हैं। अपने राष्ट्र और उसके नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाने की आशा से किया गया एक प्रयास, सेवा भारती आज एक राष्ट्रव्यापी संस्था बन चुकी है। बड़े बड़े शहरों की छोटी छोटी बस्तियां, जयपुर के भव्य महलों के बीच ऐसी ही कुछ बस्तियां हैं, जहां बच्चे बगीचों की जगह कचरे के मैदानों में खेलते हैं। इन नन्हे पैरों ने कभी किसी पाठशाला में कदम नहीं रखा था। उम्मीदों की स्लेट लिए, सपनों को बस्ते में जमाकर, हौसलों की बेल्ट लगाकर, कमर कसकर अपने उज्जवल भविष्य की ओर चलते हुए एक अनोखी पाठशाला जा रहे हैं। एक ऐसी पाठशाला जिसके दरवाजे हर किसी के लिए हमेशा खुले हैं। जयपुर की संकरी गलियों में आपको कहीं भी मिल जाएगा। इस पोर्टेबल पाठशाला की जननी है श्रीमती विमला। वे खुद सिर्फ आठवीं पास हैं, लेकिन इन्हीं की इच्छा और प्रयास के कारण ये पाठशाला साकार हो पाई। कुछ 15 साल पहले इन्होंने अपने घर के पास बसी बस्तियों के बच्चों की देखभाल करना शुरू किया, उनको शिष्टाचार और स्वास्थ्य संबंधी बातें सिखाई और धीरे धीरे उन्हें पढ़ाना शुरू किया। राधा उन्हीं बच्चों में से एक थी।
विमला जी ने इन सब को माँ की तरह स्नेह और अनुशासन के साथ अपने घर में जगह दी। आज वे सब हाई स्कूल पहुंचकर उनके इस प्रयास को आगे बढ़ा रहे हैं। ये छोटा सा कदम बड़ी तेजी से सफलता की ओर बढ़ रहा है। सेवा भारती ने विमला जी को पूर्ण सहयोग एवं प्रोत्साहन दिया। तो हमारे चाचा ऐसे बोलते हैं कि पढ़ लिख कर क्या करोगे, अब तो तुम घर में बैठो और तुम्हारी शादी कर देंगे, फिर तुम अपने घर चले जाना। पढ़ लिख कर तुम्हें कोई कलेक्टर तो बनना नहीं है, ना ही हमारे समाज में अभी तो कोई बना है ऐसा बड़ा। तुमको भी नहीं बनना, तुम भी पढ़ाई छोड़ो और घर का काम करो। तुम लड़की हो, बस लड़की रहो। जो काम आदमियों के वो आदमी करेंगे। आदमी का काम है पढ़ना, तो आदमी पढ़ेंगे, लड़कियाँ नहीं पढ़ेंगे। तुम बस पढ़ाई मत करो, तुम घर के चूल्हा चूल्हा करो और उन्हीं में रह जाओ। चाचा मेरे को तो पढ़ना है, पढ़ लिख कर मेरे को कुछ बनना है, क्योंकि मेरे को ऐसे नहीं रहना जैसे आप, जैसे मेरे माँ बाप कर रहे सब्जी का काम। मुझे सब्जी का काम नहीं करना है, मेरे को पढ़ लिख कर कुछ बनना है। उत्तराखंड में जून 2013 को हुई बारिश के बादल आज तक छटे नहीं हैं। इन घरों में धूप तो आती है लेकिन उजाला नहीं होता। पिताजी ते का जुजने मनावाद जो अपने बाल बच्चों तक पालना चाह, तो आप बच्चों पालना होता है जुजे होटल में नौकरी था गई जा। और 16 तारीख जुजे की आपदा आई और ते के बाद जब पता लगी हम तय कि वो होटल भी बोगी और होटल आप मालिक लोग भी सीखोगे ने कि पता नहीं चाहिए कि कक्ष जन गौर जन पहुँच जन। हमने काफ़ी दिन तक प्रयास करी तो गौर में गई स्थिति तो अभी गरीबी हालत है, बीपीएल श्रेणी में से पहली छा। अब पिताजी खत्म हो गए तो अब और भी तो तब तक बाद जो कि ये एक टीम है क्योंकि RSS वाली गोमा तो उन्होंने सर्वे का दौरान बताया कि अगर जो कोई बच्चा यों का पढ़ चानन तो हम जो चाहिए होता है पढ़ोला। तब हमन जब देखी कि ते का मामा जी जो चंद कि तैसे होटल वहाँ चले जाना, तो मैंने तब सोची कि एक बालक सन जो है कि मजदूरी करोड़ा उचित नहीं। तो तैसे तो मैं फिर गोबतकाशी गई हूँ और मैं तो से संपर्क करी और तो बोली कि नहीं आप बच्चा तय लिया और हम ये को एडमिशन दिला। तो एडमिशन जो है विद्या मंदिर में देनी और तब हॉस्टल में जो है अभी तक बच्चा यंजी वो नौकरी कि मैं बिल्कुल अपनी ठीक व्यवस्था में जाऊँ। सूरज जैसे और भी कई बच्चे हैं जिन्होंने अपने माता पिता या परिवार को उस बाढ़ में खो दिया था। इनका वर्तमान बेहतर हो और एक सुनहरा भविष्य बन सके, इसी उद्देश्य से इन बच्चों की शिक्षा के अलावा पालन पोषण जैसी सारी जिम्मेदारियां सेवा भारती ने उठाई हैं। शीतल तौरिया ओजा शंकर जी मुंबई देगी नेहा न्यू तुसम ओजा हम लाए अखोगी पाबन जुम इचासु असुक ले तंबसिद माने अदोडी नंगना चाम आइन आदा लाइक तंबीगे तुम तुमदा नोंनि लेर कांदा अखोय अंगांग तरा मुक्सी तुसम दोसि यावरे इम्फाल देगी जु अमनि जु यावरे अखोय जि पुलप महाराष्ट्र दे पुरे अदिगी दि मान हॉस्टल जि मचा वइन हावरे अखोय जि स्कूल दे पुरे स्कूल दे एडमिशन दोरे स्कूल दे जो खुजि पुरा अनोबो एक्सपीरियंस अम ओइकि असमान मथंग मथंग ओजा संगना अंगांग चही खुदिंग एकदम नोटिस दिगि मथंग मथंग सुम पुरो पसिदा हाउजिन मसिं याम याम खले हाउजि अंगांग मयांग गि मनुङ सिदा कना गुमना गवर्नमेंट सर्विस तोरे कना गुमना एनजीओ गि थब तोरे कना गुमना सोशल वर्क तोरे।
शिक्षा और विकास के लिए निरंतर प्रयास करती ये संस्था भारत के हर सुदूरवर्ती इलाकों में अपने केंद्र स्थापित कर चुकी है। ओजा शंकर ने कई साल पहले उत्तर पूर्वी इलाकों में एक ऐसी ही पहल की थी। म्यांमार बॉर्डर से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर मणिपुर राज्य में खारासोम एक ऐसा गांव है जहां तक पहुंचने के लिए पक्की सड़कें भी नहीं हैं। जहां 2014 के विकासशील भारत में भी बिजली नहीं पहुंच पाई है, वहां एक सर्व सुविधा युक्त पाठशाला है। शिक्षा और विकास से कोई भी बच्चा वंचित नहीं है। कोमल मुस्कानों और निश्चल महत्वाकांक्षाओं का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। ये ओडिशा की एक छोटी सी बस्ती है बुरला। यहां कुछ इंजीनियरिंग के छात्र स्वेच्छा से हर दिन इन बच्चों को पढ़ाने आते हैं। अपनी व्यस्त दिनचर्या में से समय निकालकर ये करीब 70 इंजीनियरिंग के छात्र इन निर्धन बच्चों को पढ़ाने आते हैं। ऐसे ही मुफ्त कोचिंग क्लासेस अरुणाचल में भी खोले गए हैं, जहां देश के उच्चतम संस्थानों से युवा गणित और अंग्रेजी पढ़ाने आते हैं। महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में ताप्ती नदी के किनारे बसा मेलघाट, जहां एक ओर अपने टाइगर रिजर्व के कारण मेलघाट विख्यात है, वहीं दूसरी ओर यह इलाका अपनी गरीबी, कुपोषण और निरक्षरता के लिए कुख्यात है। कोई भी ये नहीं समझ पाता कि मुख्य समस्या को जड़ से हटाने के लिए जरूरत है रोजगार की, जिसके उपयोग से सतत विकास और रोजगार बना रहे। इसी जरूरत को समझा सुनील और निरुपमा देशपांडे दंपत्ति ने। ये पति पत्नी बड़े शहर में अपनी सुख सुविधा का जीवन त्याग कर कई साल पहले मेलघाट में आ बसे थे, सिर्फ एक ही उद्देश्य से कि मेलघाट के रहवासियों का जीवन बेहतर हो सके। हल बहुत ही प्रत्यक्ष था। इस इलाके में बहुतायत में पाए जाने वाला उत्पाद बांस। उन्होंने स्थानीय जनजाति के लोगों को बांस के बीज बोने से लेकर विभिन्न तैयार उत्पाद बनाने तक बांस के पूरे खेती चक्र को संभालने के लिए प्रशिक्षित किया। मेलघाट में रोजगार के सबसे बड़े साधन संपूर्ण बैम्बू केंद्र की स्थापना की। पहले लोगों को लगता था कि ये तो नॉर्थ ईस्ट में ही बनता है, ये तो आसाम मेघालय में ही बनता है, यहाँ कहाँ बनेगा, ये बात में कहाँ बनेगा, लेकिन यहाँ के लोगों ने बनाया। फिर ये डिज़ाइन डेवलपमेंट का भी काम चलते रहा। अभी लगभग 150 के आसपास डिज़ाइन हम लोगों के पास हो गए हैं। कोचिंग मिला के 8वीं नापास वाले के लिए सर्टिफिकेट कोर्स इन बैम्बू टेक्नोलॉजी, 10वीं पास वाले के लिए डिप्लोमा इन बैम्बू टेक्नोलॉजी और 12वीं पास वाले के लिए एसोसिएट डिग्री इन बैम्बू टेक्नोलॉजी। इग्नू ने भी इसको मान्यता दी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हरिवंश राय बच्चन की ये पंक्तियां देश के हर तटवर्ती इलाकों की कहानी बयां करती है। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो हर रोज विराट समुद्र में ऐसे निकल जाते हैं जैसे पानी में नहीं
माँ के आंचल में खेल रहे हों। कितनी भी चोट लगे या फिर कितनी ही निराशा हो, ये समंदर का दामन नहीं छोड़ते और ना ही समंदर इनका। करीब 93% मछलियां बड़े यांत्रिक जहाजों से पकड़ी जाती हैं और ये जहाज समुदाय के कुछ समृद्ध लोगों के पास ही मौजूद हैं, जिसके कारण कई गरीब मछुआरों का शोषण होता आया है। सेवा भारती ने सामूहिक यांत्रिक जहाजों का इंतजाम किया, जिसमें मछुआरों के अनेक समूह बराबर के हिस्सेदार बन पाए। सेवा भारती के शुभचिंतकों से मिला प्रारंभिक धन उन्हें एक ब्याज मुक्त ऋण की तरह उपलब्ध कराया गया और आज वही लोग जो खुद इन जहाजों पर मजदूर थे, उन्हीं जहाजों के मालिक हैं। केरला के एक छोटे से गांव कन्नूर के ये मछुआरे खुद अपनी किस्मत के मालिक हैं और खुद अपनी कश्तियों के मालिक भी। അതിൻ്റെ ഒരു തോണിയും പോലെ ഒരു 18 ഗ്രൂപ്പാണ് തലായിലിപ്പം ഈ തോണിയും പോലും നമുക്ക് ഇട്ട് തന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഉപജീവന മാർഗത്തിന് നമ്മൾ ജോലിക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 18, 20, 35, 40 ഗ്രൂപ്പ് വരുന്ന ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലായിട്ട് സംഘടന തോണിയും പോലെയും അനുവദിച്ചതാണ്. ഇതിൽ നമുക്ക് കാണുന്ന ഒരു മെച്ചം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് ലോണ് വഴി നമ്മളിപ്പം പൈസ ഇത്ര വലിയ തുക എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജപ്തി നടപടി പോലത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ബാങ്ക് മുതിർന്നേക്കും. പക്ഷേ സംഘടനാ സംവിധാനം എന്നുള്ള നിലക്ക് അതിൽ നിന്ന് വളരെ ആശ്വാസകരമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കടലിൽ പോയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു വിഹിതം സംഘടനക്ക് തിരിച്ചേൽപ്പിക്കുക. ना अपनों का साथ मिले, ना जलपान नसीब हो, कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, हाड़ मांस का बना मनुष्य पानी सा गल जाता है। कितने ही नुस्खे हों, कितने ही हाकिम हों, बूढ़े जवान सब एक ही ज्वर से तपते हैं। चाहे जितना हो मनोबल, इन पट्टियों के पीछे सब कुछ दब जाता है। कुष्ठ रोग एक ऐसा रोग है जिससे शरीर के साथ साथ अंतर्मन भी गलने लगता है। दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी कुष्ठ रोग या टीबी नहीं है, बल्कि एक इंसान को अनवांछित, उपेक्षित छोड़ दिया जाने का एहसास है। चापा छत्तीसगढ़ में स्थापित भारतीय कुष्ठ निवारक संघ एक ऐसी ही मिसाल है, जहां सही मायने में कुष्ठ रोग को हरा दिया गया है। BKNS के मार्गदर्शक श्री कात्रे खुद एक कुष्ठ रोगी थे, जिन्होंने अपनी और अपने जैसे कई और रोगियों की लाचार परिस्थिति को अपनाने से इनकार कर दिया। अपनी लगन और मेहनत से कुष्ठ रोगियों के लिए इस संस्था को स्थापित किया। कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों के लिए जीविका के कई साधन बनाए गए। खेती बाड़ी, चटाई बनाना, चौक की फैक्ट्री,
हर व्यक्ति आत्मविश्वास और आत्मसम्मान से जीवन जीता है। सुशील बाल गृह इनके बच्चों के लिए शिक्षा और पालन पोषण की सुविधाएं उपलब्ध कराता है। आधुनिक चिकित्सा से 2,500 कुष्ठ रोगियों को अपाहिज होने से बचाया गया और 30,000 रोगियों को MDT से ठीक किया गया है। शायद विश्व की एकमात्र संस्था होगी जो एक कुष्ठ रोगी ने कुष्ठ रोगियों के लिए प्रारंभ की। दो बातों से कुष्ठ रोगी बहुत त्रस्त है। एक तो जिसको भिक्षाटन नहीं करना है तब भी मजबूरी में भिक्षा करना है क्योंकि पेट चलाना है, पर यह स्वाभिमान शून्यता है, ये भी वो अनुभव करता था, पर जाए कहाँ, उसके लिए स्थान कौन सा है। दूसरी बात जो थी कि उसको हमेशा चिंता सताती थी कि जब ये शरीर शांत होगा उसके साथ कैसा व्यवहार होगा। तो कात्री जी ने सोचा कि अगर कुष्ठ रोगी को इन दो बातों से मुक्त करा दिया जाए कि वो एक स्वाभिमान जीवन जिए, भिक्षावृत्ति से परावृत हो, और दूसरा ये संसार छोड़ते समय निश्चितता संसार छोड़े कि अपनी व्यवस्था होगी। ये एक बड़ा संयुक्त परिवार है। हर रिश्ता खून का तो नहीं लेकिन मानवता का रिश्ता है। अपना दर्द भी एक साथ बांटते हैं और अपनी खुशियां भी। जो हमें इस संसार में लेकर आती है, आंखें खोलते ही जिसका चेहरा हम सबसे पहले देखते हैं, जिसके स्पर्श से हम चैन की नींद सोते हैं, जिन हाथों को पकड़कर हम अपना पहला कदम लेते हैं, ममता के उस स्पर्श, उस आंचल की छांव से अनभिज्ञ है ये मासूम बच्चे, लेकिन फिर भी स्नेह से वंचित नहीं है। ये दो बच्चियां जो हैं, दोनों बच्चियां जुड़वा हैं, जो कि राजनांदगांव के पास में एक डोंगरगढ़ करके स्थान है, वहां पर इन्हें झाड़ियों में कहीं छोड़ दिया गया था। इन्हीं परिस्थितियों से बचाने के लिए ये बाल गृह स्थापित किया गया है। ये संस्था अपने नाम को बखूबी निभाती है, मातृ छाया। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कचरे में या रेत में या नालियों में डाल देते हैं बच्चे, तो उससे क्या है उनको इन्फेक्शन शुरू हो जाता है और हम लोगों के लाते तक बच्चे को बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने लगता है। तो यदि किसी को डालना ही है तो वो हमारे मातृ छाया के झूले में सही जगह पर डालें ताकि हम उसको इमीजिएटली उसकी व्यवस्था कर सकें। एक माँ की तरह स्नेह और परवरिश प्रदान करती ये संस्था इन नन्हे बच्चों के लिए एक बड़ा परिवार है। यहाँ नवजात शिशुओं से लेकर हर उम्र के बच्चों की परवरिश, शिक्षा आदि की देखभाल की जाती है। मातृ छाया इन बच्चों के लिए स्नेह और संस्कार से भरा एक घर है। साथ ही ये संस्था इन बच्चों के लिए योग्य परिवार की तलाश भी जारी रखती है। 15 जुलाई 2004 से लेकर के आज तक 228 बच्चों का यहाँ पर आगमन हुआ है और लगभग मान के चलिए कि 160 बच्चों को उनमें से एडॉप्शन में दिया जा चुका है योग्य दंपतियों को, जो कि बच्चे का पालन पोषण करने के लिए सक्षम है। मातृ छाया के निरंतर निस्वार्थ प्रयास से कई अनाथ नन्हों को परिवार मिले हैं और कई सूने आंगनों में किलकारियां गूंजी हैं। கடன் கோரிக்கை திருமதி ஜி பகவதி அம்மா அவர்கள் நகை கடன் தீர்ப்பதற்காக ரூபாய் 50,000 கடன் கேட்டுள்ளார். தீர்மானம்:
திருமதி டி பகவதி அம்மா அவர்களுக்கு கடன் கொடுப்பதற்கு உறுப்பினர்கள் ஒருமனதாக உறுப்பினர்களால் ஒருமனதாக தீர்மானிக்கப்பட்டது. குழுவின் வரவு சேமிப்பு 4000, வட்டி 4151, சந்தா 200, இதர வரவு 180, மொத்த அசல் 25250, இதர செலவு லோன் அடைத்தது 13500 ரூபாய். कितने ही अद्भुत रूप हैं इनके, सूरज की किरणों से खिलकर, पानी सी हर आकार में ढलकर आगे बढ़ती जाती हैं। हर रूप में ये सर्वत्र मिल जाएंगी, मनोबल की मिसाल हैं सबके लिए, ममता की मूरत हर किसी के लिए, शक्ति इनकी अप्रतिम है, ये नारी शक्ति कहलाती है। இது வந்து இருக்குதுக்கு இல்லடா இல்லை எல்லாம் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தது நெட்டாங்கோடு. அவங்க ஒரு மாதத்து ஒரு ஒரு 6 மாதம் போல் 1 வருஷம் போல் என் கூட இருந்துக்கிட்டு அப்புறமா அவன் வேற போய் கல்யாணம் பண்ணிட்டு வேற போய் இருந்தாச்சு. எனக்கு ஒரு பிள்ளைய தந்துட்டு அப்புறமா அந்த பிள்ளைய கொண்டு வந்து வளர்க்குறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வளர்த்துக்கிட்டு. இன்ஹீ ஸ்திரீயோ கோ அப்னா மஹத்வ சாகார் கர்னே கே லியே ப்ரோத்சாஹித் கர் ரஹி ஹை சேவா பாரதி. इसी शक्ति से खुद को आत्मनिर्भर बनाने के विभिन्न तरीके सिखाती है महिला स्वावलंबी समूह। तमिलनाडु में सेवा भारती ने 1999 में महिला स्वावलंबी समूह की शुरुआत की और उन समूहों को रोजगार के अवसर और व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराए। जिन औरतों को आर्थिक मदद की जरूरत थी उन्हें ब्याज मुक्त ऋण दिए गए। अपने आसपास आसानी से प्राप्त होने वाले साधनों से रोजगार की चीजें बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। எழுத்து விவரம் தெரியாமல் இருந்தா அப்போ குழுவில் உள்ள தலைவர் மாரி சொன்னாங்க, சுசீலா நீ இப்படி சாக்குட்டி கை ஒப்பு போடக்கூடாது, நீ சாக்குட்டி வச்சு எழுதி படிச்சுக்கிட்டு வா அப்படின்னு சொன்னப்போ என் மக என்ன செய்தா கையை பிடிச்சி எழுதி காட்டி தந்தா, அம்மா இப்படி எழுதுன்னு சொல்லி காட்டி தந்தா. அதுக்கப்புறம் மூணு எழுத்து சுசீலா அப்படின்னு மூணு எழுத்து எழுதி படித்து இப்போ சைன் வைப்பேன், புக்கில் எல்லா புக்கிலையும் சைன் வைப்பேன். அப்போ பேங்குக்கு போவேன், எப்படியோ குழுவில் எல்லாம் சேர்ந்தெடுத்து ஒரு பிள்ளை கதையாத்தன்னு சொல்லிட்டு சேர்ந்தேன். நம்ம பாடு தானே, தின்னாட்டா என்ன குடிக்காட்டா என்ன, பிள்ளையாக ஒருத்தன் கையில் பிடிச்சி கொடுத்து நம்ம இது தானே. நம்ம என்ன பண்ணுறான், தும்பு வாட்டிப்பா மண்டே மார்க்கெட்டு பிளாக் ஓடு. हवाओं की सरसराहट से, पंछियों के चहचहाने से, सूखे पत्तों पे गिरती पानी की बूंदों से, तारों के टिमटिमाने से, झिंगुरों की सीटियों से, प्रकृति हमसे बातें करती है। प्रकृति की ये बोली समझने वाला एक ऐसा ही इलाका है कंधमाल। कितने ही वर्षों से इन जंगलों में बीत रहा इनका जीवन प्राकृतिक जीवन शैली की मिसाल है। यहाँ के जनजाति चावल की खेती कर अपना गुजारा करते हैं, लेकिन चावल की फसल भी साल के कुछ ही महीने उनका साथ दे पाती है। बाकी बचे महीनों में ये जनजाति अपना पेट पालने के लिए संघर्ष करती रह जाती है। ಹೆಂಗಿ ನಾ ಗೋಪಿ ಮಾಂಜಿ ಕಲ್ಲು ಹೆಂಗಿನ ಜನಗ ಸಿತೆ ಕಾ
மா இமிட அங்கோட்டே மாங்க சீலபா தெரியா தரு ஆக்கி பெசா தம்கி ஏசா தம்கி எங்க அம்மா சாம் சுப்னா सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की सफलता का सबसे बड़ा उदाहरण मिलता है कंधमाल में। ये जनजाति आज पत्तल कारोबार की अधिकारी बन चुकी है। ये पूरा कारोबार यहाँ की महिलाओं द्वारा संचालित है। इजातर अपाइड गितम के तांगु हितम मासे का मासे कुहितर बे पोलो बारो वर्षो तीना बारो डांजु तीना तम Saya buti kuli ye siya sadi si isinga tebe mana at maso no maso se tinji nam. Saya mana soru sa sebe aku ronda tapi nam tera pa na usa nam nga adukan tani frapinga nam. Saya soru bali tera te kane be ibta kanga aka ta kanga iman. Mila boda be tin ba par bi manamu mila boda ne be ike poli gipki manamu. Nga kahe tera sakit ini sakiamu ajan japa tera sakit. इस कारोबार के लिए मशीनों का प्रबंध और क्रय विक्रय सेवा भारती द्वारा किया जाता है। बहुतायत में उपलब्ध प्राकृतिक साधनों से बनाए गए उत्पाद, उनसे कमाया गया मुनाफा इस जनजाति में आत्मविश्वास और स्थायी विकास लेकर आया है। पुरातन समय से हस्तशिल्प कला इन वनवासियों के लिए एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मौजूद है। अरुणाचल के मूल निवासी इस कला का कई सालों से अभ्यास करते आ रहे थे। इन वनवासियों का हस्तशिल्प कौशल और नवाचार बढ़ाने सेवा भारती कई प्रशिक्षण शिविर आयोजित करती है। Turning ino mimulango antai. En na belongo bum ko bum pimanga ido kung ienam bagde wak ienam ingo super set ati ay. Deka kada mo ino mitoka ido la hem mo mo ay mingko lo kung man hem mo buna ido ko nilo ko ngo ariganam ido ido ko ariganam doka ido ngo mulko po sa pangkuka mangay. Inam lega hem mo ay lo mo hilang ko la ay ka ay lo hok bango dalang kumbiya mo hilang ko hem Atau bona itu. भारत एक कृषि प्रधान देश है। अगर किसानों को खेती के लिए सही शिक्षण ना दिया जाए तो क्या सिर्फ मशीन से वे बेहतर फसल उगा सकते हैं? गो ग्राम स्वावलंबन संस्थान बीकानेर राजस्थान में सेवा भारती के द्वारा कृषि क्षेत्र में ऑर्गेनिक कार्य प्रणाली में जागरूकता उत्पन्न कर रही है। इस कार्य प्रणाली में किसी भी तरह के केमिकल खाद या जहरीले कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता। खेती बाड़ी में काम आने वाली हर चीज 100% प्राकृतिक होती है। मैंने तो साहब आया यूँ समूह बनाया मैंने बताया राय बताई कि आप खेती इस तरीके क्यों करो जगह हूँ आप पनप जाओला जने में एक आई है कि वो एक समूह बनाया जगह हूँ मैं बीज तैयार करियो और खाद गऊ मतरी गोबर ही खेत में लार ना की और मलसिंग करी ना खेत में पल्ले कहीं को पड़ी नहीं 100 बीघा 50 बीघे में मतलब बीघो 5 किलो और उतर दो या 10 किला यूँ बेस बीघो मार धान छोड़ दो अब जो हम आख मेहनत कर और खेत में खाद होता रहा नहीं जगह टाइम माना बीघो मतलब 70-80 किलो और छोटे अठे या कुंटल रे पास हो जाए एक बीघे में 1 कुंटल अनाज हो जाए गोबर ने और गऊ मंत्र जी की खाद है बटो मार करी और ला रहे खेत में नौ घर भी रे मछली वर्सिंग कर लो वर्सिंग करने के बाद वे रे ताकत हो आ बाजरी बटो हर प्रांत हर क्षेत्र में हर भूभाग में ये ऑर्गेनिक फार्मिंग टेक्निक्स बहुतायत फल देने में सक्षम हैं।
भले ही वो राजस्थान की रेतीली जमीन हो या फिर दक्षिण भारत की फलती फूलती वादियां हों। सेवा भारती ऐसी कई परियोजनाओं को देश भर में प्रोत्साहन और समर्थन दे रहा है। तीर्थहल्ली के कृषि प्रयोग परिवार में किसानों को ऑर्गेनिक प्रणाली में नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। पर्यावरण के अनुकूल कृषि से होने वाली बचत और फायदे इन किसानों का जीवन स्तर बेहतर बनाते हैं। So they were also trying to find out which botanical they can use, how they can manufacture their own pesticides. They call it as biopesticide also. We are covering nearly 158,000 acres throughout the state under organic farming. Now there are many farmers who are getting more yield in organic farming better than chemical farming also. ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಅಂದವಾಗ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಕೃತಿದತ್ವವಾಗಿ, ಏನೇನು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅಂತವರ್ತು ಇಲ್ಲ. ಹಾವಿದೆ, ಏಳಿದೆ, ಕಪ್ಪೆ, ಹಾವು, ಮುಂಚಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾವೆ, ಯಾವ ನಾಶ ಇಲ್ಲ. प्रकृति हमें अपने संसाधन देने में कभी भेदभाव नहीं करती, लेकिन मनुष्य प्रकृति के साथ भेदभाव जरूर करता है और इसी का नतीजा है कि आज कई छोटी छोटी नदियां तेजी से नालों का रूप लेती जा रही हैं। राष्ट्रीय सेवा भारती ने ऐसी ही सामाजिक जरूरतों के लिए लोक भारती संस्था की स्थापना की है। ये संस्था बड़े शहरों की प्राकृतिक जरूरतों पर निगरानी रखती है। ये नागरिक अपनी अपनी व्यस्त दिनचर्या में से कुछ समय निकालकर लखनऊ की गोमती नदी का सफाई अभियान पूरा कर रहे हैं। याच रस्त्याने ज्यावेळेस आपण आता चाललो आहे, या ठिकाणी पण अनेक वेळेस बॉम्ब ब्लास्ट झालेले आहेत आणि हा रस्तासुद्धा एक मोठ्या मुश्किलीनं BRO बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशननं बांधला आहे. रस्त्याचं काम करणारे कॉन्ट्रॅक्टर्स यांनासुद्धा धमक्या देण्यात येतात, मारण्यात येते आणि अनेकांना नक्षलवाद्यांची भीती वाटत असल्यामुळे या भागाने सरकारी कर्मचारीसुद्धा त्यांच्या ड्युटी असल्या तरी पण त्या ठिकाणी व्यवस्थित करत नाहीत. इस देश में कई इलाके ऐसे हैं जहां विकास तो दूर, मूलभूत स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। गढ़चिरौली एक नक्सली इलाका है। यहां वास्तव में मरीज मामूली से बुखार के लिए मीलों की दूरी तय कर चिकित्सा तक पहुंच पाते हैं। हफ्ते में एक बार आने वाले ये डॉक्टर इस गांव और आसपास की कई जगहों की इकलौती उम्मीद है। ऐसी परिस्थितियों में जब डॉक्टर उपलब्ध ना हो तो हर कोई बीमारी से अकेले लड़ने के लिए निसहाय रह जाता है। इसी हाल को बदलने के लिए डॉक्टर सुरेश दामबोले ने कुछ स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण दिया है। सेवा भारती ने ऐसी योजनाओं को बढ़ावा दिया और स्थानीय स्वास्थ्य कर्मियों को साधन उपलब्ध करवाए। याच्यामधूनच असं लक्षात आलं की आपण तर 8 दिवसातून इथं एकदाच येतो, उरलेले दिवस हे लोक काय करणार, औषधीची जर गरज पडली तर. मग अशा वेळेस लक्षात आलं की याच गावातले जर एखादा हेल्थ वर्कर, आरोग्य रक्षक जर आपण ठेवले आणि त्यांनी जर एक प्रथमोपचार म्हणून काही औषधी दिली तर 4-5 दिवस त्यांचे निघू शकतात. आणि मग आम्ही गावांमध्ये शीतल वेगळादी झालं, मीना मट्टामी, मीना गोटा, अशा त्याच समाजातल्या, माडिया समाजातल्याच काही महिला अत्यंत चांगल्या प्रकारे त्या काम करत आहेत. देश के उत्तर पूर्वीय कोने में बसी सात बहने
जितनी प्राकृतिक खूबसूरती यहाँ देखने को मिलती है उतनी प्रगति नहीं पाई जाती। विभिन्न सरकारों की लापरवाही के चलते देश के इस कोने में कई कारणों से मूलभूत व्यवस्थाएं भी स्थापित नहीं हो पाई हैं। इन्हीं हालातों को सुधारने के लिए सेवा भारती ने यहां स्वास्थ्य सेवा की संस्था स्थापित की है। इन सेवा परियोजनाओं को नाम दिया गया आरोग्य मित्र। एक ऐसा मित्र जो हर पल साथ निभाए, बच्चों के साथ बच्चा बनकर स्वास्थ्य के सही मायने बतलाए, गृहिणी की सबसे प्यारी सहेली हो, हर परिवार का हिस्सा बन जाए, बेटी की तरह बड़े बूढ़ों की सेवा कर हर ज्वर हर कष्ट से मुक्त कराए, आरोग्य मित्र जो हर पल साथ निभाए। इस परियोजना के मुख्य चालक होते हैं आरोग्य मित्र या ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ता। इस परियोजना की विशेषता ये है कि हर आरोग्य मित्र स्वेच्छा से ये भूमिका निभाता है। इस परियोजना में गांव के युवाओं को मूलभूत चिकित्सा में प्रशिक्षित किया जाता है। एक आरोग्य मित्र हर महीने कम से कम 50 लोगों की मदद करती है। वर्तमान में करीब 4,500 से अधिक आरोग्य रक्षक वनवासियों की सेवा कर रहे हैं। जोंहा बिनिफ्राय हस्पिटालाव लांनांगौब्ला जोङो 7 किलोमिटार 7 किलोमिटार लांनांगौ जायो आरो गसाइगावसो दालाय हस्पिटालाथ' आरो बिनिफ्राय जोङो बेसिम लांनांगौबा जोंहाथ' बहुत गोबां खस्थ' मोनो नालाय बे खस्थ'नि गेजेराव जोङो आङो बेखायनो बे गामियाव एसे एनै बेमारि दङ दा बेखौनो आं एसे एनै नायो आरोखि। जून 2013 की मूसलाधार बारिश और बाढ़ से आए प्रलय से उत्तराखंड आज भी उभरने की कोशिश कर रहा है। उस बाढ़ के बाद से सेवा भारती निरंतर उत्तराखंड के राहत कार्यों में लगी है। कई प्रभावित इलाकों में प्राथमिक चिकित्सा केंद्र और शिविर लगाए जाते हैं। देश भर के कई मेडिकल छात्र और डॉक्टर्स स्वेच्छा से यहाँ इलाज करने आते हैं। सारा शरीर दर्द जम जाट। अच्छा, ऐसी एक्सरसाइज करनी है डेली? हाँ, करना है ऐसा। सेवा भारती की अनगिनत संस्थाएं एक सर्वशक्तिमान कवच की तरह हर जरूरतमंद तक पहुंचने का प्रयास करती हैं। आज करीब 1,60,000 गतिविधियों से बने संजाल से सेवा भारती जीवन के हर पहलू को छूती हुई और भी विस्तृत होती जा रही है। इन सभी लोगों के बीच कोई वास्तविक संपर्क ना होते हुए भी मानसिक एकता है। किसी भी प्रकार की वित्तीय सुविधा ना होते हुए भी ये सभी सदस्य स्थानीय संसाधनों की वृद्धि करते हुए किफायत से उनका उपयोग करते हैं। सवाल ये है कि इन्हें एकजुट कौन करता है? इन सारे हाथों को एक दूसरे से जोड़ती शक्ति क्या है?
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा एक ऐसी विचारधारा है जो इन सभी सदस्यों को एकजुट करती है। हर दिन एक घंटे की ये गोष्ठी शाखा कहलाती है। यहाँ सभी सदस्य एक साथ मिलकर विभिन्न कार्यों में भाग लेते हैं। ये सारे कार्य इन स्वयं सेवकों को एक ही चीज का एहसास करवाते हैं, देश की निस्वार्थ सेवा हमारा कर्तव्य ही नहीं, हमारा खुशी भी है। एक स्वयं सेवक के लिए अपने गांव की सेवा या देश की सेवा अपने ही परिवार की सेवा के समान है। जहां गैर सरकारी संगठन अपने वित्तीय सहयोगी के लिए संघर्ष करते हैं, वहीं संघ शाखा अपने ही दम पर पूरा गांव सुधारने की शक्ति रखती है। 1987 में ओडिशा के ब्रह्मनचई गांव में शुरू हुई शाखा ने इस गांव का नक्शा बदल दिया। ये गांव हर वर्ष बाढ़ की चपेट में आ जाता था। शाखा सदस्यों ने तट पर पेड़ लगाकर प्राकृतिक रूप से गांव को बाढ़ से बचाया। इस गांव में एक पुरातन मंदिर बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। स्वयं सेवकों ने इस मंदिर की मरम्मत कर उसे फिर खड़ा किया। गांव के शैक्षिक विकास के लिए उन्होंने बच्चों के लिए स्कूल बनवाया। ब्राह्मणचई जैसे और भी कई ग्रामीण इलाकों को सुधारने के लिए आरएसएस और सेवा भारती ने संपूर्ण ग्राम विकास योजना शुरू की है। किसी गरीब के लिए घर बनाया तो किसी खराब रास्ते को सही साधन उपलब्ध न होने के बावजूद भी सुधार दिया। तो संघ की शाखा में मिलने वाला एक सामान्य संस्कार समाज के प्रति अपनत्व का और समाज के प्रति कर्तव्य की भाव और सारे देश को एक मानना, और इसलिए समाज का सुख दुख ये मेरा सुख दुख है, समाज में आने वाली समस्याएं ये मेरी समस्या है, हम जहां पर खड़े हैं वही अपना देश है, हम जिनके बीच खड़े हैं वही अपना समाज है। चिंतन के स्तर पर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, राजस्थान की सीमाओं से लेकर मणिपुर की पहाड़ियों तक देश है, परंतु कृति करने के लिए मैं जहाँ खड़ा हूँ, जिस मोहल्ले में खड़ा हूँ, जिस नगर में खड़ा हूँ, यही हमारा काम करने का क्षेत्र रहता है। इसलिए थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली इस सिद्धांत को पूर्ण रूप से हम संघ की शाखा में स्वयंसेवकों को दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। समाज आत्मनिर्भर बने, आत्मसम्मान से खड़ा हो, श्रेष्ठ जीवन की आकांक्षा उनके अंदर जागृत हो, इसकी आवश्यकता है। जो जो जीव है, चेतना युक्त प्राणी है, वो सम्मान की भूख रखता है। हम अपने सेवा के द्वारा उसके सम्मान की भूख को भी जगाना चाहते हैं। केवल आवश्यकताओं की पूर्ति करना यह हमारा उद्देश्य नहीं कि जाति, बिरादरी, पंथ, संप्रदाय, इन भेदों से ऊपर उठकर हमने काम करना चाहिए। इसलिए व्यक्ति संकट में है उसकी सहायता करना यह अपना धर्म है। इसलिए अपने यहाँ पर चिंतन में जो कहा गया, सेवा यह परम धर्म है।